जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों हम आपको एसएसपी ट्रेडमैन हेड कॉन्स्टेबल एसआई और एएसआई की फिजिकल की जानकारी देने वाले हैं। आप सभी को पता होगा इन सभी पोस्टों पर दोस्तों एसएसबी के फिजिकल स्टार्ट हो चुके हैं 29 सितंबर से। दोस्तों आप सभी के जो फिजिकल चल रहे हैं और लगातार दोस्तों हम आपको जो है इसके फिजिकल की लाइव अपडेट देते आ रहे हैं। और उसी तरीके से दोस्तों आज भी हम आपको जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं कि किस तरीके से दोस्तों आज जो है एसएसबी का फिजिकल हुआ है, कितने बच्चे फेल हुए हैं, किस तरीके से एंट्री हुई है, किस तरीके से रनिंग हुई है, टाइमिंग कितनी दी गई है और किस तरीके दोस्तों सारा सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है, वो सारी लाइव अपडेट दोस्तों आपको जो है इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, आपका फिजिकल किसी भी सेंटर पर हो और किसी भी पोस्ट का हो, यानी कि हेड कॉन्स्टेबल का हो या एसआई का हो या ट्रेडमैन में किसी भी ट्रेड का हो, तो सभी का जो फिजिकल का प्रोसेस है वो सेम है। थोड़ी वो चेंजिंग है, क्या क्या चेंजिंग है वो मैं आपको जहाँ जहाँ पर चेंजिंग देखने को मिलती है वो मैं आपको वीडियो में वहाँ पर बता दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस जो मैं आपको जो है इस वीडियो में समझाने वाला हूँ। तो आप टेंशन ना लें, आपको जो है सारी डिटेल जानकारी स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि आपके फिजिकल की स्टार्टिंग कहाँ से होगी और किस तरीके से आपको जो है फिजिकल का प्रोसेस चलने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, जितना ज़रूरी दोस्तों आप सभी के लिए फिजिकल पास करना है उससे ज़्यादा कहीं ज़रूरी है आप सभी को रिटन एग्ज़ाम की तैयारी करना, रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई करना, क्योंकि दोस्तों फिजिकल में सभी बच्चे क्वालिफाई हो जाएंगे। तो अधिकतर बच्चे जो है फिजिकल पर ध्यान दे रहे हैं, तो फिजिकल के साथ साथ दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा इसका रिटन एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होगा, तो आप सभी अपने रिटन एग्ज़ाम पर भी फोकस कीजिए। आपके रिटन एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दोस्तों हम जो है अपनी ई बुक लॉन्च कर चुके हैं। आप ट्रेडमैन के लिए भी ई बुक बाय कर सकते हैं और हेड कॉन्स्टेबल के लिए भी बहुत ही मुनासिब रेटों पर, बहुत ही कम रेटों पर दोस्तों आप सभी के लिए जो है हम ई बुक लॉन्च कर चुके हैं। तो ई बुक यदि आप बाय करना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप से बाय कर सकते हैं। ऐप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, आप डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, ई बुक, प्रैक्टिस सेट, इसके प्रीवियस पेपर, वो सारे चीज़ें दोस्तों आपको जो है मिल जाएंगी। तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए और ई बुक जो है दोस्तों आपको 102 दिन में मिल जाएगी। अभी फ़िलहाल दोस्तों अपलोड कर दी गई है लेकिन अभी जो है सभी के लिए पब्लिक नहीं की गई है, तो 1-2 दिन में दोस्तों सभी के लिए दोस्तों वो लॉन्च कर दी जाएगी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको रिटन एग्जाम की भी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आप सभी का जो है फिजिकल का प्रोसेस किस तरीके से चल रहा है। तो फिजिकल की बात करूं तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, सुबह 6 बजे दोस्तों एंट्री होती है। जितने भी दोस्तों आप लोगों के डाउट हैं, जितने भी कमेंट आते हैं आपके 400-500 कमेंट मैं पढ़ चुका हूँ, तो आपके जो है जितने भी डाउट हैं वो सारे इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा। उसके बाद फिर भी आपको कोई डाउट बचता है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें या आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट में बता सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सुबह 6 बजे दोस्तों 0.1 पर, आपको मैं यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ, 0.1 पर दोस्तों सुबह 6 बजे आपकी जो है एंट्री होगी। एंट्री के टाइम पर दोस्तों आप सभी को पता है आप सभी का जो है आधार कार्ड, एडमिट कार्ड चेक किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों 0.2 पर दोस्तों आपको जो है वहाँ पर एक सिग्नेचर करना होगा। सिग्नेचर करने के बाद में दोस्तों आपका जो है वहाँ पर होगा बायोमेट्रिक। 0.2 पर बायोमेट्रिक होने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर कोई भी इशू जब नहीं होगा, बहुत ही अच्छे से समझाते हैं एसएसबी डिपार्टमेंट, बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाते हैं। जब आपको कोई मिस्टेक भी होती है फॉर्म में या एडमिट कार्ड में तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वहाँ पर वो ठीक कर देते हैं। आपसे एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवाएंगे, आपका जो भी इशू होगा वो ठीक हो जाएगा। बहुत ज़्यादा कमेंट ये भी थे कि हमारे फॉर्म में एडमिट कार्ड में मिस्टेक है तो उसको क्या करें, तो वहाँ पर ठीक हो जाता है। तो पहले एंट्री होगी, एंट्री के टाइम पर बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक के टाइम पर ही आपको बता देना है कि आपके जो भी एडमिट कार्ड में इशू है या नहीं है, तो कोई बात नहीं है। तो बायोमेट्रिक हो, बायोमेट्रिक के बाद में यहाँ पर दोस्तों 0.3 पर आपको जो है ग्रुप में डिवाइड किया जाएगा, यानी कि जैसे कि एक सेंटर पर 200 या 300 बच्चे पहुँचे हैं तो उनको 50-50 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। उसके बाद में दोस्तों फिर वहाँ पर जो है होती है रनिंग, जो ग्रुप में डिवाइड करते हैं उनको उनकी कराई जाती है दोस्तों वहाँ पर रनिंग। रनिंग दोस्तों सभी पोस्टों में नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमैन में रनिंग है तो ट्रेडमैन में जो रनिंग है मेल कैंडिडेट की वो 4.8 किलोमीटर है, जिसके लिए 24 मिनट की टाइमिंग दी जा रही है। फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो 2.4 किलोमीटर है, जिसके लिए उनको 18 मिनट की टाइमिंग दी जा रही है। और हेड कॉन्स्टेबल की बात करें, हेड कॉन्स्टेबल में आप सभी को पता है जो रनिंग है आपकी मेल कैंडिडेट की 1600 मीटर है, उनको 6.5 मिनट की टाइमिंग दी जा रही है। और फीमेल कैंडिडेट की जो रनिंग है वो 800 मीटर है, जिसके लिए उनको 4 मिनट की टाइमिंग दी जा रही है। उसके बाद में
यहाँ पर रनिंग होगी, आप सभी को बता, तो हेड कॉन्स्टेबल और ट्रेडमैन की आपको मैंने बता ही दिया है। और एसआई कम्युनिकेशन में रनिंग जो है वो मेल कैंडिडेट की 1600, फीमेल कैंडिडेट की 800 मीटर है। उसके अलावा जितनी भी पोस्ट है एसआई एएसआई उसमें दोस्तों रनिंग नहीं है, उसमें आपको सीधा बायोमेट्रिक के बाद में रनिंग नहीं है। तो उनका जो है अगले स्टेप में हाइट चेस्ट वेट चेक किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका ट्रेडमैन में आपने अप्लाई किया है, तो यहाँ पर हेड कॉन्स्टेबल में अप्लाई किया है, तो आपकी रनिंग होगी। रनिंग के बाद में आप सभी का जो कैंडिडेट रनिंग में क्वालिफाई होंगे उनका मापा जाएगा चौथी जगह यानी पॉइंट नंबर 4 पर, दोस्तों आपका हाइट चेस्ट वेट, दोस्तों आपका चौथे पॉइंट पर हाइट चेस्ट वेट मापा जाएगा। जो कैंडिडेट रनिंग में क्वालिफाई होते हैं उन्हीं का मापा जाता है, और जिस पोस्ट में रनिंग नहीं है तो उनका हाइट चेस्ट वेट डायरेक्ट होगा, मैंने आपको बता ही दिया है। तो आप सभी को पता है सभी पोस्टों की जो हाइट का क्राइटेरिया है वो अलग अलग है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि ट्रेडमैन में कुछ पोस्टों में दोस्तों 170 सेंटीमीटर, जैसे कि आपके ड्राइवर वेटनरी, कुछ में अधिकतर सभी बाकी ट्रेडमैन में जितनी अदर ट्रेड हैं जैसे कि वेटनरी, सफाई वाला, कुकू वेटनरी, वेटर, वाटर केयर, उन सभी में हाइट जो है आपकी मेल की 167.5 सेंटीमीटर, फीमेल की 155 सेंटीमीटर। यदि आप एसटी कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया से कहीं से या किसी भी पोस्ट में आपने अप्लाई किया है तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बाकी आपका चेस्ट नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 78 सेंटीमीटर, एसटी कैंडिडेट के लिए 77 सेंटीमीटर। इस तरीके से आपका चेस्ट का प्रोसेस है। बाकी यदि आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा, फुल डिटेल में दोस्तों मैंने आपको समझाया है, उसमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखाया है, तो आप उस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं। ये दोस्तों बात हुई आपके ट्रेडमैन की, और आपके हेड कॉन्स्टेबल की बात करें तो हेड कॉन्स्टेबल में दोस्तों आपकी जो हाइट है वो कुछ पोस्टों में 1.67 है, कुछ में 1.65 है, अधिकतर में 1.65 ही है। उसके बाद में जो कैंडिडेट दोस्तों रनिंग में क्वालिफाई होते हैं उनका हाइट चेस्ट वेट मापा जाएगा। यहाँ पर मैं आपको फेल का रेशियो बता देता हूँ, रनिंग में जो बच्चे फेल होते हैं वो 50 में से करीब दोस्तों 5 बच्चे फेल हो जाते हैं, 5 से 10 बच्चे फेल हो जाते हैं आपके रनिंग में। उसके बाद में आपके जैसे 40 बच्चे बचते हैं तो 40 में से दोस्तों जो बाद में हाइट चेस्ट वेट होता है उसमें से करीब दोस्तों 5 से 6 बच्चे फेल हो जाते हैं आपके हाइट और चेस्ट में। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि 100 में से करीब 8 से 10 बच्चे ही यहाँ पर आपके जो है 10 बच्चे आप एवरेज लगा लीजिए कि 10 बच्चे आपके जो फिजिकल में फेल हो रहे हैं, उसके अलावा बच्चे फेल नहीं होते हैं कहीं पर भी। फेल होने का चांस रहता है आपका जो है रनिंग में, उसके बाद में हाइट चेस्ट वेट में, हाइट चेस्ट में, वेट में फेल नहीं करते। वेट का यदि आपका कोई भी इशू है तो आप टेंशन ना लें, आप वेट में अंडर वेट हैं या ओवर वेट हैं तो आपको वेट में जो है फेल नहीं किया जा रहा है। तो आप सभी को मैंने बता दिया है, पहले आपकी जो है एंट्री होगी, एंट्री के टाइम पर आपका बाद में बायोमेट्रिक होगा, बायोमेट्रिक के बाद में आपको रनिंग होगी, रनिंग के बाद में दोस्तों आप सभी की जो हाइट चेस्ट वेट मापा जाएगा, हाइट चेस्ट के बाद में आपका दोस्तों फिर मैंने आपको बता दिया है, फिर आपका जो वहाँ पर फॉर्म फिल का प्रोसेस रहेगा, फॉर्म फिल आपको करना होगा। फॉर्म फिल करने के बाद में दोस्तों आप सभी को जो है वहाँ करीब 2 से 3 घंटे बैठाया जाएगा, उसके बाद में आपको आपके क्वालिफाई की मोहर लगाकर आपके एडमिट कार्ड पर आपको जो दे दी जाएगी। यदि आप क्वालिफाई होंगे तो क्वालिफाई, यदि आप डिसक्वालीफाई होंगे तो डिसक्वालीफाई। जो डिसक्वालीफाई बंदे होते हैं उनको प्रॉपर बताया जाता है कि आप इस चीज़ में डिसक्वालीफाई हो, वो एडमिट कार्ड पर लिखा हुआ होता है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप सभी का जो फिजिकल का प्रोसेस चल रहा है जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है स्टेप बाय स्टेप। इसके अलावा दोस्तों वहाँ पर कुछ नहीं होगा, डॉक्यूमेंट में आपको कोई भी डॉक्यूमेंट लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सलाह देता हूँ आप जो है अपने जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट हैं आप उन सभी के डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी जरूर ले जाएं। ध्यान दें, फिर भी आप कमेंट करते हैं कि डॉक्यूमेंट क्या लेकर जाएं, वहाँ पर आधार कार्ड, एडमिट कार्ड के अलावा कोई डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, लेकिन मैं आप सभी को बता रहा हूँ आप हमारी सलाह के अनुसार यदि हमारे बात मानते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हम कहना चाहेंगे कि आप सभी जो है अपने डॉक्यूमेंट की एक एक फोटोकॉपी जरूर ले जाएं। यदि आपको हाइट में या एज में आपके स्टेट के बिहाव पर या आपकी कास्ट के बिहाव पर छूट चाहिए तो आपको उस कंडीशन में, आपको यदि कास्ट में कास्ट के बिहाव पर छूट चाहिए तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखाना होगा। यदि स्टेट के बिहाव पर छूट चाहिए तो आपको एज में या हाइट में तो आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि निवास प्रमाण पत्र ओरिजिनल दिखाना होगा। इस कंडीशन में सिर्फ आपको ये है कास्ट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट ओरिजिनल दिखाना होगा, बाकी आपको किसी भी कंडीशन में वहाँ पर सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ेगी। वरना बाकी मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, आप जो सभी जो है अपने सभी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी जरूर ले जाएं। सिर्फ इतना ही प्रोसेस दोस्तों आप सभी का वहाँ पर रहने वाला है। इसके अलावा दोस्तों आपका फिजिकल में कुछ नहीं होगा। फिर भी दोस्तों आप लोगों को लगता है कि आप कुछ डाउट आपका रह गया है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप सभी से दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूँगा,
आप सभी अपने फिजिकल के साथ साथ दोस्तों रिटर्न एग्जाम पर भी फोकस करिए। जिन बच्चों का रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई हो गया है, सॉरी फिजिकल क्वालिफाई हो गया है, वो रिटर्न एग्जाम की तैयारी कीजिए। रिटर्न एग्जाम की तैयारी के लिए हम जो है अपना ऐप लॉन्च कर चुके हैं, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर आपको जो है ऐप मिल जाएगा। हमारा चैनल का नाम लिखिए रीड एंड लीड, या आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया गया, वहाँ से जाकर दोस्तों ऐप डाउनलोड कर लीजिए। आपको वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल मिल जाएगा, आपको प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, इसकी जो है कितनी कट ऑफ हो जाती है वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। बाकी आप सभी को पता है, आप सभी के लिए ट्रेडमैन हेड कॉन्स्टेबल की ई बुक आ चुकी है, तो जल्द ही दोस्तों आपको जो है ऐप पर ई बुक भी मिल जाएगी। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।